जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े ना गुरप्रीत सिंह लैके हाजिर हाँ तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला यानी कि शॉर्ट पंजाब। टीवी शो विवाद से नवजोत सिंह सिद्धू का विरोधियों को जवाब, कहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता, मंत्री रहते हुए टीवी शो में काम करना, कहा मैं कोई लुट करके पैसा नहीं कमा रहा। कि मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल वांगू बसां चलावां, मैं पंजाब दा पेट वढ के अपना पेट भरां, सवेर तो शाम करप्शन करा। जिहड़ा वकील है वह वकालत करता है, कल मनप्रीत भाजी ने कहा कि जिहदी खेती है वह खेती करता है, ते जे नवजोत सिंह सिद्धू महीने च चार दिन, मैं मेरा 75% टीवी खत्म हो गया क्योंकि मैं एक मिनिस्टर हाँ, IPL मैं नहीं करूंगा, लेकिन जे मैं महीने च चार दिन शाम नू 7 बजे तो बाद सवेरे 6 बजे तक रात नू कुछ करदा, ते कहदे ढिड पीड़ क्यों होंदी है भाई, मैनू समझ नहीं आउंदी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले ते कानूनी राय रही जा रही है, जेकर कानूनी मुश्किल नहीं है तो पंजाब सरकार नू इस कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार फिर भी एडवोकेट जनरल के फैसले की उड़ीक करेगी। वो बहुत सीनियर एक इंटेलिजेंट आदमी है, इशू इज ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ के कर सकते हैं या नहीं, देयरफॉर वी आर गोइंग टू आस्क आवर AG टू जस्ट हैव अ लुक एट इट आल्सो। इट्स ओनली वन थिंग वी विल हैव टू डू बिकॉज ही इज आल्सो मिनिस्टर ऑफ कल्चर, सो वी मे हैव टू चेंज हिज पोर्टफोलियो देयर। अदर देन दैट इफ इट इज परमिसेबल, इट इज हिज अर्निंग्स, एवरीबॉडी कैन रन देयर ओन बिजनेसेस एंड अर्न देयर ओन मनी इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली परमिसेबल। नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी शो नूं लैके साबका CM प्रकाश सिंह बादल का बयान, कहा टीवी शो च काम करना या ना करना सिद्धू का फैसला, हर किसी नूं संविधान मुताबक काम करने का अधिकार। मर्जी उहदी जी, मैं की कह सकदा, बाकी इतराज करी जा रहे हो आपका समा उत्तर दे रहे हो उत्तर दे रहे हो, देखो जो किसी की मर्जी है जां कानून आगू जो इजाजत दिंदा है उहदे हिसाब नाल गल होंदी, मैं इहदे की। सिद्धू के समर्थन च उतरे कांग्रेसी आगू रवनीत बिट्टू, कहा लंबे वेले तो सियासत च रहे सिद्धू कोलों हुण तक क्यों नहीं पुछे गए ये वाले सवाल। और हमारे CM साहब ने यह कहा है कि अगर एडवोकेट जनरल से हम इसके ऊपर उनसे पूछ रहे हैं भी वो मंत्री पे पद पे रहते कोई अपना काम कर सकते हैं या नहीं, और वो डिसीजन आ जाएगा और उन्होंने कहा बॉस कहेगा वो मैं मानूंगा, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी या सरकार का जो आदेश होगा वो माने। एक हफ्ते में अगर वो चाहते हैं 2-4-5 घंटे तो वो तो उनको मिलने ही चाहिए, उसमें क्यों तकलीफ है किसी को। मैं समझता हूँ ये हल हो जाएगा जल्दी से जल्दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने मंत्रालय नूं लैके उठ रहे सवालों ते भी दिता जवाब, कहा उन्हां दे मंत्रालय च बहुत सारे काम करने वाले ने, जो अपने सारे कामों नूं पूरा करते हैं तो उन्हां दा जितना सफल होगा। कि मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल वांगू बसां चलावां, मैं पंजाब दा पेट वढ के अपना पेट भरां, सवेर तो शाम करप्शन करा। जिहड़ा वकील है वह वकालत करता है, कल मनप्रीत भाजी ने कहा कि जिहदी खेती है वह खेती करता है, ते जे नवजोत सिंह सिद्धू महीने च चार दिन, मैं मेरा 75% टीवी खत्म हो गया क्योंकि मैं एक मिनिस्टर हाँ, IPL मैं नहीं करूंगा, लेकिन जे मैं महीने च चार दिन शाम नू 7 बजे तो बाद सवेरे 6 बजे तक रात नू कुछ करदा, ते कहदे ढिड पीड़ क्यों होंदी है भाई, मैनू समझ नहीं आउंदी। नाली नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हर मामले की जांच होगी, जेकर कोई भी दोषी होया तो बख्शा नहीं जाएगा। हर चीज की जांच होगी, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं गा, इंसाफ होगा, दुध का दुध होगा, पानी का पानी होगा, जड़ा पंजाब वाल होगा वो सिद्धू की पग होगा, जिन्हें पंजाब नू लुटिया पुठा टंग दू, हर चीज की जांच होगी।
नवजोत सिंह सिद्धू अच अमृतसर पहुंचे जिथे सर्किट हाउस उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर से केस सम्मानित किया गया। सिद्धू ने श्री दरबार साहब च टेकिया मथा। कैबिनेट मंत्री बनने तो बाद पहली बार श्री दरबार साहब चो नतमस्तक। मुख्यमंत्री बनने तो बाद आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसानों के कर्जे का मुद्दा पीएम के सामने चुकया। अच शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नाल भी करेंगे मुलाकात। For the Prime Minister is concerned, it was a courtesy call, as it will be with the President this evening. But I did mention the question of debt waiver, and I left a letter with him. He's going to look into it. So that was all. It was a very short courtesy call. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेटली नाल हुई मुलाकात। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कणक की खरीद ली जल्द सीसीएल जारी करने की की अपील। जेटली नाल मुलाकात तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि खजाना मंत्री ने भरोसा दिता है कि जल्द तो जल्द कैश क्रेडिट लिमिट जारी कर दी जाएगी। पहली बार है मैं दिल्ली आया साढ़ी चोड़ तो बाद मैं आज राष्ट्रपति जी प्राइम मिनिस्टर साहब लॉर्ड जेटली साहब मिले मिलूंगा उन्होंने इधर जेटली साहब अच मिले ने और इन्हों फ्रेंडली कॉल तो अलावा आन लगी है जी सीसी लिमिट है वो संबंध में असं मिले से कि उन्होंने जल्दी अपरूवल क्यों कणक की वाढ़ी शायद हफ्ते से होते शुरू उन्होंने पूरी सबू वीआईपी कल्चर से कैप्टन सरकार का एक होर वड्डा फैसला। अकाली सरकार विच 12 मंत्रियों की सुरक्षा विच जबरदस्त कटौती। 200 तो वध सुरक्षा मुलाजम लगे हुए सन साबका मंत्रियों की सुरक्षा विच हुण सिर्फ 30 ही सुरक्षा मुलाजम साबका मंत्रियों की सुरक्षा विच नहीं तैनात। तो अलावा लोकसभा ते राज्यसभा मैंबरां दी सिक्योरिटी ते भी चली कैंची। कांग्रेस अकाली दल अते आप दे मैंबर पार्लियामेंटां दी सिक्योरिटी कटाई गई। कैप्टन वालों वीआईपी कल्चर नूं खत्म करन दी मुहिम नूं लैके साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दा बयान। कहा लाल बत्तियां हटाउण नाल कुछ नहीं हुंदा, लोकां दे काम करने जरूरी। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲੋ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। उधर पंजाब दे वीआईपी कल्चर खत्म करन दे हरियाणा दे कैबिनेट मंत्री अनिल विज दा बयान भी सामने आया। विज ने कहा कि इसकी हकीकत उदो सामने होएगी जदों इस नूं जमीनी पद्धर ते लागू किया जाएगा। एसवाईएल दे मुद्दे ते पक्षी सरगर्मी। हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल दी अगुवाई विच सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे गृह मंत्री नाल 24 मार्च नूं करनगे मुलाकात। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि एसवाईएल का मुद्दा अदालत विच है, इसका फैसला अदालत ने करना है। ऑल पार्टी तो उनकी उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। कैप्टन साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट में है मैटर, तो होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? वी आर स्टिल बीइंग हर्ड। 828 इज नेक्स्ट डे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वह पंजाब का पानी सूबे तो बाहर नहीं जान देंगे।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਆਸ, ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਮੋੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਧੇਇਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਸਵਾਂਥਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਤਤਾ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ। ਭੋਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੱਖੀ ਸਿਆਸਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵਰਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ। ਬੋਲੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਝੱਜਰ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ 'ਤੇ ਦੋ ਰੈਸਕਿਊ ਪੋਸਟ ਤੈਨਾਤ। ਮਨਾਲੀ ਕੇਲੰਗ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 9.5 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਆਸਫਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CM ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬੋਲਿੰਗ ਸਪੀਡ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
1 अप्रैल तो रेल मुसाफरों के लिए विकल्प स्कीम वेटिंग टिकट के बदले उस रूट की दूजी ट्रेन में मिलेगी कन्फर्म टिकट। बंद होवे फांसी की सजा, ला कमिशन का सरकार को वड्डा सुझाव, सिर्फ दहशतगर्दी ना जुड़े अपराध के मामलों में ही होवे सजाए मौत। धर्मशाला में पहली बार होगा टैसट मैच, भारत और आस्ट्रेलिया के विचाले होने वाले टैसट मैच को लेकर तैयारियां पूरी। देवधर ट्रॉफी के लिए धोनी और युवराज को दिता गया आराम, रोहित शर्मा और पार्थिव पटेल करेंगे कप्तानी। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाके में हुई कार बम धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई, 45 तो वध लोग जख्मी हो गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क के कोल फौज और विद्रोही गुटों के विचाले लड़ाई तेज हो गई है। फौज के मुताबिक विद्रोहियों के एक गुट ने कार बम धमाके तो बाद फौज की पकड़ वाले इलाकों में हमले शुरू कर दिए। आलिया भट्ट ने अपने नाम से रखे गेम नू कीता लॉन्च, गेम लॉन्च नू लेके आलिया दिखी काफी एक्साइटेड। शाहरुख खान ने एक वीडियो बनाया जिस विच शाहरुख अनुष्का की फिल्म फिलौरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। सुनील ग्रोवर के कपिल शर्मा शो नू छड्डण दी खबरां, फ्लाइट विच कपिल नाल हुई तकरार तो बाद सुनील ग्रोवर ने लिया फैसला। ऐश्वर्या बच्चन के पिता कृष्ण राज नू श्रद्धांजलि देण गए बॉलीवुड स्टार। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना का एक प्रमोशनल इवेंट में दिखा ग्लैमरस लुक।